आप जय हिंद जय भारत, मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS के न्यूज चैनल में। दोस्तों, BTS आपका अपना न्यूज चैनल है। आप इस न्यूज चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके जरिए पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। अभी ये पूरे दरगाह बंद कर दिए, सिर्फ दो ही खोले हैं इधर। ये एक बारगाह है और उधर तो नॉर्मल है, उधर के खोले तो उधर तो बंद कर दे रहे हैं ना, सब लोगों को लेके आके लेडीज को लगा के बंद कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, लेडीज को बिल्कुल चालू है, वहाँ से बंद कर दिए ना वो। नहीं, ये गेट कोरोना वजह से बंद कर दिया। अच्छा, अब ऐसे नीचे उतर के गली में। अच्छा, गली गंज से सामने से वो रास्ते से गए तो पूरे खुले होटल के सामने रेड। अच्छा, इधर के बार का बंद कर दिया, इधर के पीछे के भी बंद, पूरे बंद। नंदी मिला हुसैन ये रहा। सरकार के काम में जा रहा है, दादा का काम चालू है, दादा के नेक काम में आ रहा है, मस्जिद कामी रोज गोपिंग कोई बारगाह है गुलबर्गा शरीफ में हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं और यहाँ के मुख्तलिफ जो बारगाह हैं जो रियासत कर्नाटक के इहाते में आता है, तो यहाँ पे हमारे नदीमुल्ला हुसैनी साहब के खादिम साहब है, उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से ये बारगाह बंद है और फिर कब खोलने के अम्कान थे। हजरत बताइए कि कितने दिनों से लॉकडाउन की वजह से यानी कि 9 महीने के ऊपर हो गया था नदी में लॉस नहीं बंद जी। इंशाल्लाह दो दिन 10 तारीख को खुलना बिल्कुल। क्या बारगाह सिर्फ यही खोलेंगे या पूरा खोल देंगे? पूरा खोल देंगे। दोबारा यहाँ पे कर्नाटक रियासत हुकूमत ने ऐलान किया कि वो दोबारा नाफिज किया गया है लॉकडाउन का। नहीं, मतलब ये रियासत में ही है, यहाँ पे कर्नाटक के रियासत में लगाया गया था ना? नहीं लगाया था, कैंसिल हुआ वो नाइट कर्फ्यू कर्फ्यू था। हाँ, नाइट का। अब सुबह 8 बजे से, अब शाम में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज हुआ है ना? नहीं अभी नहीं है, बर्खास्त कर दिया गया। तो
फिर अभी 10 तारीख से पूरे बारगाह खुले हैं, कुछ आ रहे हैं पूरा खुले वाचा है, सिर्फ अंदर मजार के पास नहीं जा रहे और यहाँ नदी में नहीं जा रहे। अच्छा, बाकी ये सब जा रहा था। तो अभी कब तक पूरा खोलने का ऐसा इंतजामिया दरगाह की जानी से कुछ ऐलान हुआ गया? 10 तारीख को बोल रहे हैं, देखना 10 तारीख को क्या। 10 तारीख को पूरे बारगाह खोल लेंगे, कैसे बारगाह पूरे खुले हैं सर? जी जी, मगर खाली ये जो जाने आने का जरा रोक दिए हैं। जारी ना आ रहे हैं सब, जो हमेशा महबूल जो आते हैं तो आ रहे हैं, या इसमें कुछ कमी पेशी हो रही है? कुछ नहीं, बिल्कुल सब अच्छे से ज़ियारत हो रही है, खाली अंदर जाके फूल नहीं चढ़ा रहे वहाँ से, बाकी का सब कुछ हो रहा है। आ रहे हैं ज़ियारत मुख्तलिफ रियासतों से जो हजरे महबूल जो आते थे। आज देखो कितनी पब्लिक आज जुमे रात है, नियाज और अंदर छोटी दरह में बहुत माशाल्लाह सब कुछ। जुमे की नमाज भी हो रही है? नमाज यहाँ डिपार्ट के आदमी पढ़ते हैं जुम्मा। अच्छा, स्टाफ का? स्टाफ का भी, और वहाँ पर जो है ना हम पास लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? छोटी दरगाह में। अच्छा, यहाँ तो जुमे के दिन नमाज नहीं हो रही फिर, नहीं तो मतलब आम ज़ायरीन के लिए नहीं है? वहाँ पर सब ज़ायरीन के लिए वहाँ पर है। नाज़रीन, ये साहब का कहना है कि अब आइंदा आने वाले महीने यानी 10 तारीख जनवरी से पूरे बारगाह को दोबारा उसको खोल दिया गया, बहाल किया जाएगा ताकि आने वाले ज़ायरीन को इससे इस्तेफादात हो सके। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी, गुलबर्गा शरीफ, कर्नाटक।